ये चलो यहाँ देखो, हम तेरा पॉइंट तीन पढ़ने वाले हैं। अब चुप हो जाओ, ठीक है? अब कोई ब्लड नहीं आ रहा, चुपचाप पढ़ लो। चुप हो रहा है? नहीं। अब देखो, अब तक हमारे पास बहुत हल्के हल्के नॉर्मली से क्वेश्चन आ रखे थे। कैसे आ रखे थे? नॉर्मली से सेकंड डिशन प्राइस था पूछ रहा था, सेकंड डिशन सह प्रतिबंध सह प्रतिबंध प्राइस था पूछ रहा था। कैसे पीओपी का मान पीओपी एफ का मान दे देता, नॉर्मली से निकालना था पीओपी इंटरसेक्शन एफ या पीओपी अपॉन में एफ निकालना था। तो बहुत नॉर्मली से थे। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, स्वतंत्र घटना है या नहीं है, वो भी तुम लोग आराम से कर लेते, उसमें तो कुछ है ही नहीं था बल्कि। पर जो आज आने वाली ना थोड़ी अलग सी, उसमें क्या कहते हैं आपको, मान लिया आपके पास दो बास्केट है, ठीक है, एक या रही एक या रही। अब भाई उसमें इसमें भी पाँच बॉल इसमें भी है और पाँच बॉल इसमें भी है, ठीक है। अब उन पाँच बॉल में से मान लिया दो ब्लैक हैं, वही दो काली दो नीली, इधर भी दो काली दो नीली, कुछ ऐसा हो सका, ठीक है। दो ही बास्केट हमारे पास, कितनी बास्केट है इस समय, दो। अब इसमें भी कुछ हमारे पास ऐसा पड़ी, मतलब कि दो काली बॉल और दो लाल बॉल, लाल मान लो नीली ज़्यादा अच्छी लगती है, नहीं दो काली दो नीली, इधर भी हमारे पास कितनी, दो काली दो नीली, ठीक है। अब मैंने इसके या सोलो नहीं इसके अंगों पट्टी बांधी, इसे बुलाई आ जा, तो इन्हें सोचा गल तो बजागा वहाँ खड़ी हो। अब मतलब कि सर नहीं पता कौन सी किधर रखी। अब मैंने ऐसा कहा तो अपना हाथ, मतलब कि मतलब कोई सी मतलब तू एक बॉल उठानी, ठीक है। अब इसने हाथ अपना उठा लगाया, एक बॉल उठा ली। अब इस बात ही, अब इसमें आपको देख भी रखा का, चलो आपको पता कि इसने लाल बॉल उठाई, दे भी दिया, कैसे बॉल उठाई इसने, लाल। पता क्या पूछा का इस बात ही क्या फराया था इसने, पहले वाले थिल्ले से उठाई। यो नहीं पूछ रहा आपसे, अगर यो बताओ कि उन्होंने लाल लाल गेंद उठाई तो आप लाल पूरी ऊपर रखते फिर नीचे रखते, यह बात नहीं पूछी हो तो बच्चों वाली बात सवाल हो गया। जब तो तेरा पॉइंट तीन है यार, ठीक है। यो क्या पूछा उसने कि अब का इस बात की प्रैक्टिस बताओ कि जो इसने बॉल उठाई वो पहले वाले थैले में, पहले वाले बास्केट में उठाई या इस वाले में उठाई। तो है ना इंटरेस्टिंग सवाल, है ना, और थोड़ा बड़ा सा भी, ठीक सही। अच्छा तो हाँ मान लिया दो थैले दो बास्केट है, कुछ भी मान लें, दो मान ला तीन मान ला। अब मैं जैसा तुझे कहने लगी इसमें से आकर कुछ भी उठा, कंचे रखे बॉल रखी, अब उसमें से तेने किसी में से भी उठाया, आपको देखा जा, मैं वैसे बता रही आपको देखा जाओगा कि ये लाल बॉल है या काली बॉल है, ठीक है, बताकर भी जाओगा, इतना होशियार और क्या चाहिए, बताकर भी जाओगा, मतलब जड़े पर नमक छिड़का जाओगा भाई, मतलब कि तो कंडीशन ऐसी होगी तेरी किसी साथ लड़ाई बजी और उसमें थे पाँच छः लड़के, ठीक है, पाँच छः लड़के तेरे के साथ लड़े तो तेरा किसी ने बचा दिया, तेरे से बचा भी दिया। तो अरे उनमें अलग अलग जैसा ग्रुप नहीं होते क्या लड़कों के, वे भी ग्रुप थे तो उसमें क्या हुआ, तेरा बजा भी दिया किसी ने, तो उसके बाद तुझे ए बजा भी दिया, फिर ऐसा कहीं तक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तेरा मतलब अक्षय को ले ला, तेरा अक्षय नाम के लड़के ना मारा है, ठीक है। अब तुझे यूँ नहीं पता, अब सुन, अक्षय नाम के लड़के ने तेरा बजाया, अरे हाँ वैसे तो उसका समझ गया होगा, तो उसके बाद ये देखो बजा सकता, बजा दिया, पर सुनो समस्या यार रखी, जो अक्षय नाम का लड़का वो दोनों ही ग्रुप में, अब ये नहीं पता ऐसा इसका कौन से वाले ने बजाया, ठीक है, तेरी समस्या यार, तो तुझे पता करना तेरा कौन से वाले ने बजाया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो तुझे बिल्कुल बंद कमरे में करके बजाया, बस तुझे इतना पता तेरा अक्षय नाम के लड़के ने बजाया, ठीक है, और दो ग्रुप लड़का उस ग्रुप में भी था, उस लड़के का भी, ठीक है। अब तू देखता रहा तेरा किसने बजाया, मुझे नहीं पता। चलो ये तो अलग अलग बात हुई, चलो पहला अपना सवाल वैसे कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, नॉर्मली सही। या भाई एक अपनी क्या वैसे टोकरी सी मान ली, ज़्यादा खतरनाक टोकरी होगी, ठीक है। अब इसमें कंचे पड़े ही हैं, ठीक है, कंचे नहीं है, लड्डू मान लो लड्डू, ठीक है, खड़े में मजा आऊगा यार, खड़े में कितना खत्म सारे, ये रहे अपने बेसन के लड्डू, ठीक है, टेढ़े मेढ़े मैड बाई मी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए चुप रहो, सवाल समझ लो, इसमें से जो लड्डू ना, अब उनमें लड्डू में तुमने कलर कर दिया, ठीक है। अब इसमें से पांच लड्डू तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पीले ही हैं, ठीक है, पांच कैसे पीले, और इनमें से दो ऐसे हैं भाई जो पीले नहीं हैं, उनमें थोड़ा रंग कर दिया आपने तो वे संतरी से हो गए, ठीक है, अरे चल दूंढ से भी हो संतरा, उसका नारंगी रंग बोल रहा हम हिंदी में, ठीक है, संतरी भी लिखता नारंगी भी बोलता, ठीक है, ज्यादातर नारंगी चलता, तो नारंगी रंग के हो गए संतरी से में। इसमें भी ऐसे ही पड़े, इसमें पड़े दो तो पीले पड़े, अच्छा जी और कौन से, अरे इसमें से पांच ऐसे जो नारंगी रंग के, कैसे भी हो सका पांच हो सात हो, क्या पागल होगी क्या समझने के लिए, ले 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 बस हद होगी बिल्कुल, ये लड्डू बैठे सवाल में ध्यान दे, ठीक है। अब मैं आपको कहने लगी,
अब मतलब कि इन्होंने अगर अच्छा, ओ भाई चुप हो जा, मैं कहने लगी आपको इसका मतलब, मैंने कहा कि यहाँ ये हमारे पास ये घटना, और ये घटना कौन सी अपनी, वही पीला, हमने पीला पीली बूंद पीली लड्डू चल लेना, पीले लड्डू उठाने की प्रायिकता, या फिर हम कह सका नारंगी लड्डू उठाने की प्रायिकता, सभी छोड़ दो अभी। अगर मैं कहने लगे आपने एक लड्डू उठाया और वो लड्डू पीला, ठीक है, तो अगर वो लड्डू पीला, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ पी ऑफ, ऐसा लिखा हुआ भाई ए अपोन में ई वन का मान लिया, यो वाला जो थे, यो वाला जो अपना वो दी ना बास्केट, इसकी प्रायिकता ई वन है, ठीक है, यो वाला हमारी ई वन प्रायिकता है। फिर उसके बाद हमारे पास यो कौन सा दूसरा बास्केट, इसकी प्रायिकता कौन सी है, इसकी प्रायिकता मान लिया हमने ई टू, मान ली बस, ठीक है। अब मुझे बताओ यह कौन सी प्रायिकता, ई वन, और ऊपर है जो ए है ना, यो ए, ए का मतलब है यहाँ से आपने जो सेलेक्ट करा वो पीला लड्डू आपके पास आया, कैसा आया, मान लो भी पीला लड्डू होने, पीला लड्डू आने की घटना या एक, ठीक है, ओनली घटना, अभी प्रायिकता नहीं है। अब मुझे एक बात हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ईवन का मतलब क्या, हमारे पास पहला बास्केट है उसमें से ए का मतलब क्या, पीला लड्डू, मतलब पहले वाले बास्केट में से आपने कौन सा लड्डू उठाया, पीला लड्डू, या तो बात नॉर्मल समझ में आ गई। अच्छा चलो इसके साथ भी यही बात करेंगे, यहाँ से ए का मतलब क्या है, यहाँ पर पीला लड्डू, और ई टू का मतलब, इसका मतलब बोलकर बताऊँ मुझे क्या, दूसरे बास्केट में से आपने पीला लड्डू उठा लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर हम, मैं कहने लगी दूसरी बास्केट में पीला लड्डू कितने, बताओ चलो कितने, दो, आपने कहा पीले बास्केट में, वो पीले पीला बास्केट कहाँ आएगा, दूसरा बास्केट में पीले लड्डू कितने, दो, और टोटल कितने इसमें लड्डू, सात, तो सात हमने ऐसे लिख दिया, लिख दिया। अब चलो इसका भी करते हैं, इसमें बताओ अब पहले वाली जो हमारे पास टोकरी उसमें पीले लड्डू कितने हैं, पांच, तो पांच ऊपर लिख दिया, दोनों टोटल लड्डू कितने उसमें, सात, तो सात नीचे लिख दिया, जितने उसमें अगर जितने कुल संख्या हो तो वो हम नीचे लिखते हैं, और जितने जैसा अगर मैं यहीं कहीं कहने लगी नारंगी रंग के बताओ लड्डू कितने, दो, तो आप इसकी प्रायिकता क्या बनाते हैं, दो बटा सात, यो तो बनती, ठीक है, यो तो चलो आपको नॉर्मली साहब 13.1 तक यो ही चल रहा था कॉन्सेप्ट। अगर अब कहने लगा वो आपको, वो इतना उजियारा, वो कह रहा पीला लड्डू निकाल ला अपना, वही जो थी ना सुनो, नहीं इसने लड्डू पीला निकाल ला, और निकालना पहले, पहला इसे तुम्हें पता चलगा पहले वाला लड्डू, इसने जो लड्डू निकाल ला पीला, वही इसका आपसे नाम के लड़के ना बजाया, ठीक है, कन्फर्मली पता चलेगी। पर पता क्या कह रहा वो, अब इस बात की क्या प्रायिकता, वो जो इसने पीला लड्डू उठाया वो पहले वाली बास्केट से उठाया, सवाल यो है, ठीक है। तो इसके लिए भाई आपका एक फॉर्मूला आने वाला, उसे बोलते हैं ब्लीज का प्रमेय, ठीक है, उसके उसके तरीके से। अब उसमें ये बताओ इसका, इस बात का क्या मतलब हुआ, पी ऑफ ए अपोन में ई वन, इस बात का मतलब बताओ, इसका मतलब कि लाल, वो लाल कहाँ, पीला लड्डू, पीला लड्डू है और हमने पहले थैले से निकाला, यह बात कन्फर्म है। इसमें क्या बात थी कि पहले वाले थैले में से हमने लाल लड्डू निकाला, इसमें इसमें हमने निकाल, हमने लड्डू निकाला, पर इसमें आपको लड्डू पहले दे दिया, फिर उसमें हमें क्या निकालना कि हमने पहले वाले थैले से निकाला, ठीक है नहीं अजीब सा, पहले कभी इस थैले से निकालना कभी इस थैले में सा, यही बात है। इससे और क्लियर आपको सवाल में समझ में आओगे, ठीक है, अभी सवाल नहीं आए क्योंकि वो तो मेरा मेरा मानव जनित अक्सर कुछ इतना अक्सर उत्तरा नुगत्ता करेगा अभी देखो मतलब सब। तो भाई आज हम जो पढ़ने वाले उसका नाम है ब्रिज फॉर्म, तो वो क्या कहता है भाई, उसका थोड़ा सा छोटा हल्का सा ही फॉर्मूला, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आपको ऐसा दे देगा जैसे कि पी ऑफ ई वन, ई वन का, हाँ वन सेकेंड, हाँ वही है ई वन अपोन में ए, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने वही अपने उस पर जाओ लड्डू पर, मतलब कि हमने लाल लड्डू पर वो निकाल किसी मतलब पहले थैले में, आपको यही देकर रखा का पहला, आपको बिल्कुल घटना देकर रखा का, मतलब कि लाल गेंद है उसे बताओ आपने पहले वाली टोकरी से निकाल ली, ऐसे देकर रखा का, ठीक है। तो अगर हमें निकालना, मतलब आपको पता लाल गेंद है और कौन सी टोकरी से निकाल ली, पहले वाली से, तो अगर इसके निकालने के लिए आपके पास क्या पता होना चाहिए आपको, ऐसा ही आप करोगे, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए पी ऑफ ई वन, मतलब कि पहली घटना की क्या आया प्रायिकता, इसे यही तो पढ़ते हैं, पहली घटना की क्या आया पहली, मैं कहने की इस घटना की प्रायिकता, आपके पास टोकरी कितनी भाई, दो, तो मतलब पहली घटना की प्रायिकता क्या होती एक बटा दो, और दूसरी घटना की भी क्या होती एक बटा दो ही होती, इसमें भी कोई शक है क्या। तो पी ऑफ ई वन लिख दिया आपने, फिर उसके बाद आप लगाते हैं इंटू पी ऑफ, यहाँ पर आता ए अपोन में ई वन, इसका क्या मतलब है बताओ, इसका मतलब होगा टोकरी के हिसाब से सोचो कि आपने पहले टोकरी में सा पीले वाले लड्डू निकाल ले, वही तो मतलब है, बस यही मतलब है इसका। फिर हम कितने, आप हमारे पास घटना कितनी दो ही तो घटना, या तो हम इस वाले इसके साथ सिर मारेंगे या इसके साथ, और कहीं तो नहीं जा रहे क्या,
ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बस नीचा हम कुछ नहीं कर रहे भाई, जो आपने ऊपर लिखा उसी चीज को हम सेव करके नीचे लिखने। पी ऑफ इवन, बस थोड़ा चेंज होगा, रुक जाओ, नहीं तो अंतर ही क्या रह गया भाई इसमें। इवन फिर यहाँ लगाएंगे हम प्लस, दूसरी घटना जहाँ सामना इवन था अब वहाँ से ईटू रख दो, बस कुछ नहीं कह रखा। अब मुझे जरा इस बात की यह बात बताओ, यह बात क्या कहना चाह रही है, पी ऑफ ए टू का क्या मतलब है? दूसरी घटना की प्रायिकता। अब पी ऑफ ए अपॉन में ई टू का क्या मतलब है वो बताओ, मतलब कि हाँ मतलब कि जो आपने दूसरी वाली बास्केट थी उसमें से कितने लड्डू पी लिए। तो नॉर्मली फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर हमारे पास तीसरी घटना होती फिर क्या करते आप, तो बस प्लस लगाएगा पी ई थ्री बनाते ऐसे ही करके गचला देते, ठीक है। ज़्यादातर आपके साथ में दो ही पूछ रखे इसलिए ज़्यादा नहीं उड़ा करते धरती पर है लोग। तो वो समझ में आ गया सवाल बाज। अब तो पहला सवाल बचलते हैं, मिटा दो तो अरे फॉर्मूला की दादी यो कह रही मैं, ये लड्डू लड्डू पहला इसमें। दूसरा सवाल पढ़ो पहले, तो दूसरा सवाल पढ़ो दूसरा। पहले मैं दूसरी वाली प्रमेय यूज हो रखी, यार वाली नहीं हो रखी। तो टेंशन ले ले सवाल की। पढ़ा दूसरा पहले दूसरा सवाल देखो, आपके दूसरे सवाल में क्या क्या रखा, एक थैला, एक थैला ही भाई, एक थैला है आपके पास, ठीक है। उसमें चार लाल गेंद हैं और भाई चार ही अपनी कितनी काली गेंद, ठीक है जी। दूसरा क्या रखा, एक अन्य थैला, कितने लिया तुम्हारे पास, दो लाल है और कितनी उसमें छह काली। सवाल को ना छोटे छोटे टुकड़ों में होगा पढ़ा करो, ये नॉर्मली तुम्हारे घर की लैंग्वेज में भी समझ में आ जाए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दोनों थैलों में से एक को या तो अच्छा चुन लिया गया, मतलब आपने इन दोनों में से किसी को एक को चुन लिया और उनमें से एक गेंद निकाल ली, इसमें से आपको एक गेंद निकाल दी, ठीक है निकाल देंगे। तो और जो गेंद लाल है आपको दे रखी है, जो आपने गेंद निकाल ली वह लाल है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है भाई, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाल ली गई, बात वही सवाल है। इस बात की क्या प्रायिकता कि आपने जो गेंद निकाल ली और वह गेंद कैसी लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता वो आपने पहले थैले में से निकाल ली है, बुद्धि खराब इस सवाल की। आपको सवाल में कह दिया चलो अच्छा नॉर्मली सी बात क्या थी, इसमें इतनी गेंद है इसमें इतनी गेंद है, और जो आपने गेंद निकाल ली वह लाल भी, और पहला आपसे सवाल में क्या पूछता कि आपने एक गेंद निकाल ली वह लाल है और वह पहले वाले थैले में नहीं, मतलब कि वह लाल है, तो बताओ उसकी प्रायिकता कितनी, नॉर्मली से आप सब निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग सा, तो मुझे एक बात बताओ आपकी भाई इसमें थैले कितने, तो जितने थैले उसके नाम की हम घटना मान, और इसमें एक चीज़ और देखनी, इसमें क्या रखा, अब हम घटना ही कुछ मानने चल रहे और उसमें से एक गेंद निकाल ली जाती है जो कैसी है लाल, तो जो लाल मान नहीं जाओ उसे थोड़ी देर रुक जाओ विराम दो। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाल ली गई, तो हम इसमें दो घटनाएं मान लेंगे, ठीक है। क्या पूछ लास्ट में क्या पूछा आपसे, इस बात की क्या प्रायिकता है, जहां पर लिखा था ना इस बात की क्या प्रायिकता है, वहां से हम इवन मानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारी सहूलियत के लिए बता दो, बस ज्यादा सवाल में भटकने की जरूरत नहीं, इवन कहां मान लेंगे हम, जहां ऐसा लिखा हुआ इस बात की क्या प्रायिकता है, ये लाइन जहां भी दिखगी ना उसके साथ जाइए उनका आ जा फिर यहाँ क्या रखोगे आप इवन, तो इवन घटना बताओ कि क्या बताओ क्या, मतलब कि इवन घटना जो निकाली गई गेंद है वह पहले थैले से निकाली गई, तो आप किस बात इसे कैसे लिखोगे, जो निकाली गई गेंद कि निकाली गई गेंद का पहले थैले से निकलना, यार वह बढ़िया लगी लाइन, बढ़िया लगी दूसरी लाइन बढ़ाओ, मतलब कि अरे रुक जा, गेंद पहले थैले से निकलने की घटना, ये तो चल सका, तो बस कुछ बना लो पर बनाना सीखो, गेंद कौन से थैले से निकलने की घटना, पहले थैले से निकलने की घटना, ये तो बढ़िया लग रही है निकलने की घटना, बस प्रभाव से भाषा चलते रहो, वो तो मैं देख कर गार्डन गार्डन हो जाओगा, उन्होंने कहा वाह बच्चे आ जा। तो हम फिर दूसरी घटना हम कौन सी मानना के बताओ भाई, या तो गेंद पहले थैले से निकली होगी, नहीं तो कौन से थैले से निकली होगी दूसरे, बस वही बात है। तो जो अपनी गेंद है वो कौन से थैले से निकलने की घटना, दूसरे थैले से निकलने की घटना, ये सारी एक घटना ही है, ठीक है। और जब आप इसके सामने घटना की पी लगा दो वो क्या बन जा,
प्रायिकता। अच्छा अगर आप इसकी प्रायिकता निकालने लगे भाई, पी ऑफ ई वन की प्रायिकता निकालने लगे, अब मुझे नो बताओ इस मतलब टोटल घटना कितनी दो, तो आप नीचे क्या लिखोगे दो और ऊपर में एक, ऊपर एक तो लिखोगे क्यों, घटना कितनी हुई एक ही तो थे सुना अभी तक, नॉर्मली नॉर्मली करते हैं चलो, क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों कर रही उस वाले फॉर्मूले को, फॉर्मूला तुम्हें सब कुछ रटा होना चाहिए हो, कुछ नहीं है इसमें। पी ऑफ ई वन मतलब पहली घटना की तुम्हें प्रायिकता निकालनी, तो चुपचाप सवाल के साथ निकालते चलो ठीक है, फॉर्मूले की देखते रहो अपना सवाल में सिर मारते रहो बस यही है। तो आप दूसरी बार करोगे इसकी भी घटना निकाल लेंगे पी ऑफ ई टू, तो भाई जब आप ई टू निकाल लोगे घटना कितनी अपनी, दूसरा थैला चुना तो घटना कितनी हुई एक ही तो हुई, अनुकूल परिणाम कितने एक, कुल परिणाम दो, यही फॉर्मूला जो आज से सारे याद रहा बाद दसवीं का, बस इन्हें जाम इन फायदे कुल परिणाम इनका नाम है अनुकूल परिणाम। अच्छा अब इसने क्या रखा घाम ना, यू मान लिया चलो भाई हमारी जो गेंद है वो पहले थैले से निकली, फिर मैंने ये मान लिया जो मेरी गेंद है वो दूसरी थैले से निकली, मैंने अपने आप मान लिया। अब इसमें यू बढ़ो सवाल में आपको दे क्या रखा था कि हमें ज्ञात है कि जहाँ यू लिखा हुआ हो हमने एक गेंद निकाल ली जो कि लाल है, मतलब कि आपको पता है बात, आपको पता हुआ गेंद कैसी, मतलब ये एक तो सवाल नहीं आने का पर तो दिल पर नमक छिड़क कर नुकारा वो लाल है कंडीशन पर कंडीशन, तो मतलब उस घटना को आप ये मान लो, मतलब कि जो लाल गेंद निकलने की लाल गेंद निकलने की घटना, ये घटना आपके पास हुआ कौन सी, लाल गेंद निकलने की आपके पास क्या आएगा घटना, कौन सी गेंद निकली लाल गेंद। अब देखो इस सवाल में अब वह बात ही नहीं बन रही, अब हम पहले भी देखेंगे कि पहले वाली बास्केट पहले वाला जो थैला था उसमें लाल गेंद कितनी, फिर हम दूसरे वाले के पास जाओगे दूसरे वाले के पास लाल गेंद कितनी। अच्छा मुझे देता अब अपने फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो इसमें आपको क्या पूछ रहा, हाँ इस बात का मतलब समझिए कर पी ऑफ ई वन अपॉन में, इसका मतलब है आपको सवाल में क्या क्या रखा, सवाल पढ़ो, एक जो गेंद है वो लाल है और लाल तो है पर वो पहले थैले से निकाल ली गई, इसका मतलब क्या गेंद कैसी लाल और वो कौन से थैले से निकाल ली गई पहले थैले से, तो भाई बात नहीं बैठ रही, एक गेंद है वह लाल है और वह कौन सी पहले थैले से निकाल ली गई, घटना ना मानो ऐसे ही लिखो बस लाल गेंद निकलना, इसका घटना तो ये वाली होगी वो तो कोई घटना हो रही बताओ, लाल गेंद निकली तो ऐसे लिख लो लाल गेंद का निकलना, ये अच्छी से लग रही है नहीं तो वो घटना थोड़ी अजीब सी होगी, वो मुझे नहीं अच्छी लग रही हो तो मैं तो क्या अच्छी लगी होगी। अब उसमें चलो अब इसमें दो पी ऑफ ई वन आपने निकाल लिया, सबने निकाल रखा हो तो पहले निकाल लिया, अब निकालना क्या चाहिए हमें सोचो, अपने उसमें क्या निकालना चाहिए पी ऑफ ए अपॉन में ईवन, इसका क्या मतलब है, यहाँ देखो पी ऑफ ए अपॉन में ईवन का क्या मतलब है, इसका मतलब है ईवन मतलब कि पहले वाला थैला उसमें कितने जो लाल गेंद है बताओ कितनी, चार, मतलब कि पहले थैले में लाल गेंद कितनी अपनी चार और टोटल गेंद कितनी आठ निकाल लिया, बस यही तो बात है, ऐसा काटोगे एक बटा दो होगी बस यार। अब हम दूसरे के पास चलते हैं, अब दूसरी का क्या मतलब है, इसमें क्या हो गया हमारे पास इसका मान भी आ गया, इसका मान भी आ गया, इसका भी ई टू का मान है अपने पास है, अब किसका निकालना चाहिए हमें पी ऑफ ए अपॉन में ई टू। अच्छा इसका मतलब समझो पहला क्या, इसका मतलब है ई टू मतलब कि जो दूसरे वाला थैला था उसमें लाल गेंद कितनी, यही तो बात कहना चाह रहा हो, अब आप यो तो लिखने तो रहे रुक जाओ पी ऐसा लगाया फिर ब्रैकेट नीचा पहले थैले में से फिर ऊपर लिखोगे लाल गेंद निकलने की फिर प्रायिकता ऐसा लिखोगे गई क्या लिखोगे सर इसी तरीके से लिखोगे पी ऑफ ए अपॉन में ई टू ठीक है। वह बात आपने जो हिंदी में बोल रही थी ना वो आपने इन दोनों लाइनों में समझा दी उसे ठीक है, उसके साथ बहस नहीं करने की जरूरत, कभी यहाँ बैठ कर इसकी तरह सेट की यहाँ लिखो नीचा दूसरे थैले में से फिर हाइफन वो लगाओगे अपॉन ऊपर लिखो लाल गेंद निकलने की ब्रैकेट करा पी की जगह लिखो प्रायिकता, तो एग्जाम में लगाओगे आ जा बच्चे आ जा तू तुझा तो जरूर नंबर दे मिलेंगे ठीक है। अब मुझे ये बताओ दूसरे थैले में ऐसी कितनी गेंद है जो लाल है, दूसरे थैले में दो ही बस, अरे कंगाल है तो, और टोटल गेंद कितनी भाई अपनी आठ, आठ होगी। अब एक मेरी बात भी सुन लो, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाई थे ये डिब्बे से ठीक है, ऐसा ना करियो जब तुम अपनी कॉपी में करोगे तो मैंने तुम्हें समझाया था, ऐसा करियो इसे हटा दो यहीं से, यहीं पहला थैला लिख लिया बस ऐसे ही थेला पहला गेला बना था, अरे क्यों ज्यादा ड्रामे करे, चार गेंद इतनी और काली गेंद इतनी और कुल गेंद कितनी गेंद चल ली, हाँ कुल गेंद कितनी है गई आठ गेंद लिख दोगे इसी तरीके से ही सब हटाओ, ए कॉपी किताब विद्या की इज्जत कर लो इज्जत
कुल गेंद कितनी अपनी? अच्छा जी, दोनों ही आठ आठ है, तो दोनों साइड से निकाल ली। अब हम किसके पास चलने वाले बताओ? फॉर्मूले के। पक्का? तो फॉर्मूले के पास जब हम चलेंगे तो फॉर्मूला क्या कह रहा? हम जो कह रहा कह लें, यो नो कह रहा कुछ भी कह रहा। तो हम एक बार लिखेंगे कौन सा फर्म है, जो अपनी ब्रेस फर्म है, ब्रेस फर्म में बिल्कुल सेम ऐसे ही करके लिखेंगे। जितनी बार लिखोगे, यह सबसे आसान एक्सरसाइज है सिर्फ। इसमें क्या, इसमें तुम्हें ये देखो, सबसे आसान एक्सरसाइज क्यों है तुम्हें ये पता होना चाहिए हम किस्मत तक क्या निकाल ले, ठीक है? हम ज्ञात क्या करना, ये एक दो सवाल जब करोगे ना बुद्धि हो जाओगी। मैं तरफ को सबकी नजर होता ना, देखो इसके मैं यही कर दूंगा सवाल, ठीक है? तो जब पी ऑफ ई वन अपोन में कितना ए, फिर बराबर आप ऐसे देखो, ये ऐसे पी ऑफ ई वन का मान कितना, एक बटा दो, ए बटा दो हमने लिख दिया। अब मुझे ये बता दो पी ऑफ ए अपॉन में ई वन का मान कितना, एक बटा दो, और जंगा एक बटा दो ले, एक बटा दो। नीचे भी हमें लिखा गया एक बटा दो गुना एक बटा दो, फिर प्लस के इसका भी मान, पी ऑफ ई टू का मान एक बटा दो गुना किसका होनी, इसकी दो चौक आठ, मतलब एक बटा चार इसकी गुना होगी भाई अपनी किसका, एक बटा चार सा। तो जब आप ऐसा करोगे एक बटा चार तो ऊपर ऐसा आ गया, इन दोनों को एक बटा चार फिर प्लस के एक बटा आठ, इसे सोल्व करोगे एक बटा चार ऐसे ही, इन दोनों करोगे आठ और भाई कितना आ जाएगा, चार दुनी आठ दो प्लस के एक, ऐसा कि तीन ही लिख दूँ सीधा, तो तीन बटे आठ हो गया, चार दुनी आठ, तो इसका आंसर कितना आ गया, दो बटे तीन। अब मेरे पास समझ रहे सवाल में क्या हुआ, पहले तो जो कोई आया अभी तक आप लेट आए ना, इसलिए समझ लो एक आपके पास दो ही थैले दे दिए, दोनों थैले में अलग अलग करके गेंद डाल दी, कुछ भी डाल सका वो, ठीक है? यो ही था इसमें हल्का सा सवाल, अब हो गया गेंद डाल दी। अब आपको पूछेगा इसमें सा, जो आपने एक रैंडमली एक गेंद चूज करी, अब वह गेंद लाल है, आपको पहले ही बता दे गेंद लाल है सवाल में ऑलरेडी, तो जो आपको ये बोल दे ना कि जैसा वह घटना लाल है, मतलब कि वह गेंद लाल है, जो आपको दिया हुआ बिल्कुल फिक्स है आपके सवाल में, यह है गेंद लाल है, ठीक है? जो आपका इस सवाल की मेन जड़ है उसे हम घटना ए मान लेंगे, ठीक है? इसलिए मैंने लिखा ए लाल गेंद निकलने की घटना। अब देखिए जरा यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, अगर आपको यही नहीं पता होगा ए हम किस चीज़ को मान लें तो सवाल गलती होगा पक्का होगा, ठीक है? दूसरी बार आपको दे दे तो इस बात की क्या प्रायिकता, वह जो आपने गेंद निकाल ली वह पहले थैले से निकाल ली, तो अगर आपको ये दे देना जैसा इस बात की क्या प्रायिकता है, जहां तक ये दे इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पहले थैले से निकाल ली, तो हम घटना वहीं से माननी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब जैसे लगा पहली वह जो गेंद है वह पहले थैले से निकाली गई, तो इसे मैंने घटना ए वन माननी कि गेंद पहले थैले से निकलने की घटना, वाई माननी सेम, कुछ तो अलग नहीं माननी, थारे थारा गई कर रही बिल्कुल यो। अगर सवाल में तुम सारा उलझोगे तो सवाल उलझा गई रखेगा, सिर्फ तुम्हें क्या पता होना चाहिए पहले थैले में कितनी कुल का, ऐसा करोगे ये तो निकाल ही सको कुल कितनी है, ये कितनी नॉर्मली से लिख लोगे। तो हम देखेंगे इस बात की क्या प्रायिकता है कि पहले जो गेंद है पहले थैले से, जहां तक हमें यह बात क्या रखी वहीं तक आप ई वन मान लगे ई टू मान लगे। फिर जैसे ये स्पेशल बात जो आपको क्या रखी हो, स्पेशल बात क्या थी उसमें कि जो गेंद है वह लाल है, वही बात हमें न लिख दी ए गेंद लाल निकलने की प्रायिकता। उसके बाद सीधा हमने फॉर्मूले पर जाओगे, फॉर्मूला दिमाग में रखना, ठीक है? उसमें हम क्या कर, या पहला फॉर्मूला लिख लो फिर उसके बाद जो जो आपको यूज होंगे वो ऐसे निकाल लो, कैसा कर लो। जब दो बार तुम फॉर्मूला लिखोगे ना अपने आप तुम्हारे दिमाग में छप जाओगे इसमें इसके बाद हमें क्या निकालना, ठीक है? वही हमने निकाल लिया। इसका मतलब क्या, अच्छा बताओ पी ऑफ ए फोन में ई वन का मतलब पहले थैले में सर लाल गेंद कितनी वाई, तो अब दूसरी बार का पी ऑफ ए फोन में ई टू का मतलब ये तो निकालनी सीख गए बहुत नॉर्मली सी तो बात भाई। अब मुझे इसका बात बताओ इस बल्ला यो क्या पी अपॉन ई वन अपॉन में ए का मतलब क्या, यो क्या कहना चाह रहा ई वन अपॉन में ए का मतलब क्या, लाल गेंद है और वो कौन से थैले से निकली, अच्छा चलो ये तो यही तरीकी बात सीमित होगी। अगर मैं अब कहने लगी सवाल में आपको थोड़ा चेंज कर दूँ, यहीं का ही सवाल चेंज कर दूँ, अब लाल गेंद तो है उसने कहा ठीक है लाल गेंद आपको पता लाल गेंद निकली, अब उसने कहा पहले थैले से निकली, मैं कह रही अभी हूँ ठीक है, उसने कहा पहले थैले में से निकली, अब वहाँ निकली दूसरे थैले से, तो अब क्या करोगे? तो जहाँ हाँ जहाँ जहाँ आपने ई वन लिखा ना ई वन का मतलब पहले थैले से निकली वह लाल गेंद, अब मैं वहाँ वहाँ मैंने कहा दूसरे थैले से निकली, तो वहाँ वहाँ क्या रखोगे आप E2। अब जैसा आपने तुरंत E2 करा वो सवाल चेंज हो जाएगा, वो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ E1 है तो यहाँ E1 आया, यहाँ E1 आया, निचले वाले में फर्क नहीं पड़ रहेगा, ठीक है? बस ओनली निचले वाले में फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला चेंज होगा। मैंने यहाँ E2 रखा तो यहाँ भी कितना जाना चाहिए E2, और यहाँ भी E2। वो तुम बात समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ दूसरी घटना यूज होने वाली थी, ठीक है? तो उसका मतलब दूसरी घटना ही लिखोगे, दूसरी घटना मतलब जितनी लाल वही लिखोगे, ठीक है? फॉर्मूले का सब अर्थ समझ में आ गया, ये समझ में आ गया मेरी तरफ को, देखो सवाल तैयार लो। अब देख लो यहाँ से
क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ो, चलो क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ लो। अरे एक में दूसरी वाली पर मेजरी, यह वाली नहीं हो रखी है। क्वेश्चन नंबर तीन देखो, यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से, मतलब एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है, ठीक है, अरे महाविद्यालय छोड़ो, थारा NIC देखा चलेंगे भाई, NIC के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास मतलब हॉस्टल, ठीक है, मतलब छात्रों में से 60% तो रहते हैं छात्रावास में और 40% छात्रावास में नहीं रहते, समझ गए होंगे। 60% तो रह रहे हॉस्टल में, 40% नहीं रह रहे वे अपने घर में, रह सकते जैसे लोकल एरिया के। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं, मतलब जो पहले वाले परिणाम आए वो सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% मतलब क्या क्या, और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में 20% ने ए ग्रेड लिया। ए ग्रेड का मतलब है, मतलब कि फर्स्ट मान लो था तुम्हारे भाषा में, जो फर्स्ट टाइम बच्चों की ए ग्रेड आया वो हॉस्टल वालों, जो हॉस्टल में रह रहे थे उन बच्चों का 30% ए ग्रेड आया, और जो हॉस्टल में नहीं रह रहे थे उन बच्चों का 20% ने ए ग्रेड लिया, ठीक है, बात समझ गई इतनी। उसके बाद कहा वर्ष के अंत में एक एक जो मतलब कि उस महाविद्यालय का बच्चा चुन लिया गया और यह पाया कि उसे ग्रेड ए मिला, ठीक है भाई, बाद में रिजल्ट नहीं घोषित होते क्या, जैसे मैं सेट्टी बुलाऊँ यहाँ जाकर पुरस्कार देऊँ, ठीक है, तो उसे ए ग्रेड मिला, मान लिया सेट्टी को क्या मिला, ए ग्रेड। इस बात की क्या प्रायिकता कि वह छात्रावास से रहने वाला, इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो सेट्टी आया ना यो कहाँ रह रहा था, छात्रावास में, ठीक है, हॉस्टल में रह रहा था यो, तो इस बात की क्या प्रायिकता, सवाल समझ गए, क्या था सवाल, एक कुछ 40% बच्चे छात्रावास में, 20% 60%, अच्छा 60% हॉस्टल में रहने वाले, 40% हॉस्टल में नहीं रहने वाले, ठीक है। अब उनमें रिजल्ट घोषित होता है तो कुछ बच्चों ने ग्रेड ए पाया, तो जो छात्रावास में रहने वाले उनके ग्रेड ए कितना आया, 30%, और जो धल्ले वाले जो हॉस्टल में नहीं है उनका 20%। अब उनमें से कह दिया भाई लास्ट में रिजल्ट घोषित हुआ, मतलब कि लास्ट साल के अंत में पुरस्कार देने के लिए मैंने सब बुलाया, अब मुझे यो नहीं पता कि जो मैंने बच्चा बुलाया वो हॉस्टल, उनका ग्रेड ए मिला, अब मुझे यो नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ रह रहा था, अरे यहाँ नहीं रह रहा था, सवाल तो अब समझ गए होगे, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ इसमें से आप, अब आपको क्या माननी पड़ा सबसे पहला, घटना, अब घटना आप किस चीज़ को मानना पसंद करोगे देखो, अब बिल्कुल सही, इसने लास्ट में क्या कहा, इस बात की क्या प्रायिकता है कि जहाँ जहाँ ये आ जाना बस इस कहीं नहीं सिर्फ उसी के साथ जाएगा मारना, पहला सवाल भी पढ़ लियो, पता चला सवाल 13.1 का मार रहे सिर्फ 13.3 में, तो इस बात की क्या प्रायिकता कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला, ठीक है, तो इसका मतलब दो घटनाएं हो सकती है अपने पास, क्या हो सकती है, या तो छात्रावास में रह सकता है या फिर छात्रावास में नहीं रह सकता है, तो घटना हमने ईवन मान ली। ईवन घटना क्या है, मतलब कि छात्र का छात्रावास में रहने की घटना, जो अपना छात्र है वो कहां से छात्रावास में रहने की घटना, छात्रावास में रहने की घटना। अब मुझे बताओ या तो एक घटना होगी, दूसरी घटना क्या होगी, बोलो, ए सिमरन ऊपर देखना, दूसरी घटना क्या होगी भाई, सिमरन मैम प्लीज ऊपर देखिए, दूसरी घटना क्या होगी, बस यही बात है, तो छात्र में छात्रावास में भाई, यो क्या है यो क्या कर रहे हैं, छात्र का छात्रावास में रहने की घटना और छात्र का छात्रावास में न रहने की घटना, ठीक है, ये देख रहे था इन्होंने, मुझे उन्होंने कहा छात्र कहाँ पर चल रहे, इन्हें खुद नहीं पता कौन छात्र है कौन छात्रावास, छात्र बोलेंगे स्टूडेंट को, छात्रावास बोलेंगे हॉस्टल को, ठीक है, इसलिए हिंदी का शब्द कभी कभी थोड़े कन्फ्यूज करता, हॉस्टल देखो मैं तो रहने गई नहीं, मैं अपने घर में पढ़ी हुई, आप रुक जाओ, अब इसमें बताओ आप जो ए घटना मान लो थे, ए याद है वो स्पेशल घटना वाली, वो स्पेशल किसे मानने वाली, जिसे ग्रेड ए मिला, मतलब छात्र को ए ग्रेड मिलना, ठीक है, यो लिख सकते हो, बिल्कुल लिखेंगे, ए है अपना छात्र, मतलब छात्र को कौन सा मिलना, ए ग्रेड मिलना, तुम तो चाहो तो समझ सबको मिल जाओ, ग्रेड 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 मिलोगे अच्छा अब मुझे बताओ इस बात की क्या प्रायिकता कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, यह बात पता आपको, शुरू अब सवाल शुरू से पढ़ो, आपको यह ज्ञात है, मतलब आपको पता भाई हो एक महाविद्यालय के छात्रों में 60% छात्रावास में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या बताओ, अगर इसकी हम प्रायिकता निकाल लेंगे P(E1), इसने कहा 60%, यही तो मतलब है, जहाँ 60% ऐसा अगर 60% 20%, इसका मतलब आपको प्रायिकता दी हुई है, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचा सिन मानना, अगर 60% 20% ऐसा दे दे ना मतलब परसेंट में, तो इसका मतलब आपको प्रायिकता दे चुका, क्यों, अब मुझे बताओ क्या मतलब है इसका, प्रायिकता क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, 60% का क्या मतलब है ये बताइए ना, 60% सो इसका मतलब है टोटल अगर उस महाविद्यालय में 100 बच्चे, 100 मतलब 60 कहाँ से,
चादर वाला तो हो नहीं गया। 100 का मतलब क्या है यहाँ से? कुल परिणाम। और 60 का मतलब क्या है यहाँ से? अब तो समझ गए, जहाँ परसेंट है वहाँ चुपचाप उसके साथ लड़ियो ना। अब हाँ यो मैं क्यों मानू जा, मान दियो भाई ठीक है। तो 60% अगर आप इस करोगे, 60% को कितना जाओगे बोल लो? 0.6। अब दूसरे उस पर जाओ, अब इसने कह रखा छात्रावास में जो नहीं रहते वे कितनी, तो मतलब पी ऑफ E2 कितना होगा अपना? 0.4। समझ में आ गया होगा ठीक है। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं, हम तो नहीं करते फिर रहे। तो उसके बाद छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30%, अच्छा जी वे बच्चे कितने हैं जो हॉस्टल में रह रहे थे और जिन्होंने ए ग्रेड लिया। इसका क्या मतलब है, यहाँ से समझो, इसका क्या मतलब हुआ, ए अगर मैं यहाँ लिखूँ E1 अपॉन में ए, इस बात को पढ़कर बताओ मुझे क्या ए आना करो यहाँ से। छात्रावास में रहने वाले बच्चे और जिन्होंने कौन सा ग्रेड लिया, ए ग्रेड। अब यहाँ यो ए का मतलब यहाँ छात्र को ए ग्रेड मिलना, वो वाला ये नहीं है ठीक है भाई। यो ए ग्रेड की वजह से मैंने ये नहीं लिखा, किस वजह से लिखा, घटना मैंने रखी मिलना हुआ ठीक है। अब बताओ दोबारा से बोलो बताओ, चलो क्या इन्हें सिर्फ छत्र छत्र दिख रहा है यहाँ से। जो अपने छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं तो उन्हें कौन सा ग्रेड मिला, ए ग्रेड। अब मुझे बताओ कितना दे रखा आपको सवाल में, सवाल में ही दे रखा कितना, 30%। 30% का मतलब कितना हुआ अपना, 0.3। इसमें आ तक कोई दिक्कत, दूसरी बात क्या रखी, और जो जो उसमें हॉस्टल में नहीं रह रहे उसका क्या मतलब, हॉस्टल में नहीं रहने वाले का मतलब E2 में रह रहे होंगे ना, उसमें रहने होंगे ना, हॉस्टल में नहीं रह रहे। और कितने बच्चे जिसे ए ग्रेड मिला, अब बताओ उनकी संख्या कितनी, 20। लो जी 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.2। कर दोगे यहाँ तक कोई दिक्कत। वर्ष के अंत में आप ना वही वर्ष के अंत में मैंने कहा चल आ जा तुझे पुरस्कार मिला था। एक बच्चा आया मैंने कहा चट्टी चल तुम्हें पुरस्कार दे, मुझे रो नहीं पता, मुझे क्या पता बेचारा कहाँ रहता होगा, रहता होगा, इसे ए ग्रेड मिला, मतलब भाई यो 400 ऊपर नंबर दिया है मेरे हिसाब से ठीक है। चट्टी लगा रहे थे 400 से ऊपर लम्बा अभी जाकर ठीक है, क्लास माता नहीं लगा रहा मैं 400 ऊपर नंबर लम्बा। कल छोड़ गया उसके पहले छुट्टी मारी ठीक है। तो अब मुझे एक बात हो, दो चीज़ निकाल लिया अपना, अब आपको क्या किसके पास जाना चाहिए अपने फॉर्मूले के, तो आपके जो बेस पर में है बिरजू ने लिख लिया यहाँ से। इसका इसका क्या मतलब है, ए अपोन में किसमें पूछा आपसे, देखो वह छात्रावास में रहने वाला, इसका मतलब ऊपर क्या होगा, E1। अच्छा अगर यू ये बोल देता है यहाँ छात्रावास में नहीं रहने वाला, E2। या तो बात समझ में आ गई होगी, सवाल का बस एक बार सवाल का एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो आप सब चीज कर लोगे, उसके बाद तो बस सुबी तुम हो। P of E1 फिर क्या लिखेंगे, P of A upon में E1। अरे कुछ नहीं करना, यहाँ से तो सीधा है, यहाँ से उल्टा करना बस ठीक है। यो फॉर्मूले का पहला मूड याद रखा करो, फिर उसके बाद तो बनी जा। नीचे क्या लिखेंगे, P of E1 फिर इंटू P of A upon में E1 फिर यहाँ प्लस सेटियाँ सो बना, और बच्चे भी नहीं लेगे नहीं तो A upon में E2 कर दोगे, किसी को दिक्कत नहीं, मान ठाकर पुट करना ही तो रहेगा। चलो मान ठाकर पुट करेंगे, देखो हम कितने होशियार हैं, उस अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाओ, तेरे तो ज़्यादा होशियार है। P of E1 का वैल्यू कितना, 0.6, अच्छा जी अब इसका मान कितना, 0.3 ठीक है जी लिख लिया। इसके बाद P of E1 अच्छा जी और 0.3 फिर प्लस इसका मान, अच्छा इसका मान दूसरे वाले का 0.2। इसके बाद हम जब इसे सोल्व करेंगे, अब जब इसके इसके गुणा करोगे 6 कितने हो गए 18, तो 0.18 ऐसा आ गया। यहाँ कितना हो गया 0.18 फिर यहाँ प्लस इसका 4 × 8 तो 0. अब यहाँ होगा 0.8। जब आप इसके गुणा करोगे ना, देखो गुणा यहीं से कैसा कर रहा, 4 × 8। अब इसके अनु बताओ पॉइंट कितने अंकों बाद है, दोनों बाद, तो यहाँ आप जो पॉइंट लगाओगे ना, अगर मैं ऐसा लगाती 0.8 तो कितने अंक बाद बैठ रहा, अच्छा अगर मैंने पॉइंट यहाँ लगाया तो यहाँ भी कितना बैठ रहा, यहाँ भी 2 ही बैठ रहा। एक मिनट, अगर इसके बाद 0 हमसे गिनते नहीं, इसलिए हम 0 यहाँ, हमने इसे 0 को बीच में लगाया, अगर नहीं सका तो गुणा करगा, देख ला गुणा कैसा करेगा, 0.4 0.2। शर्म नहीं मान लीजिए, इनमें पॉइंट हो बहुत जल्दी गुणा हो, गलती हो ठीक है, इसलिए जो बच्चा वाला तरीका हो ना वो नर्सरी वाला, नर्सरी में तो सिखाई मिल जाती है। 5 × 4 = 8 फिर यहाँ 0 हो गया, फिर गुणा ऐसा करोगे 0 0 तो यहाँ 8 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया भाई अपना 0, फिर यहाँ 0 यहाँ पर 0। अब पॉइंट जो है ना 2 अंक बाद लगा, यहाँ अपना पॉइंट लगा दिया इस हमने ये रहे, यहीं ब्रेक दे लो, तो 0.08 आ गया। अब हम क्या करने वाले,
अबे इस भाई से जोड़ देंगे और क्या करेंगे। मैं भूल गई, मगर सवाल कहाँ को चल रहा था। तो 0.18 में लिख दिया। अब हम इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 और 8 16, हाँ सी लग गया एक। 0.26, इस 0 था, पॉइंट कट गई, कट जाए। अगर ऐसा अगर ऊपर नीचे ना दो अंक बाद हो ना, ऊपर भी दो अंक बाद है, नीचे भी दो अंक बाद है, उड़ा दो। अगर एक अंक बाद हो जब भी उड़ा दियो, ठीक है। तो मैं और कुछ आप अभी 9 दुनी 18 और 2 10 इकट्ठे कितना आ गया 13। इसके बाद भी काट सकते हो, नहीं कभी इसके सिर होते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपके पास एक बहुविकल्प प्रश्न का उत्तर देने में टिक मार के क्वेश्चन हो, ठीक है। अब एक विद्यार्थी भाई अपना, ओ भाई आज किसे ले बगे, आज हम सिमरन किसका नंबर, चलो भाई आज खुशी, तो खुशी खुशी का नंबर अंजलि खुशी। चलो एक मिनट चुप रहो। एक विद्यार्थी खुशी के, या तो हो सकता है खुशी उस मतलब कि मल्टी क्यू है, 4 ऑप्शन दे रखे आपको। अब या जो है ना अपनी खुशी, या तो उसका आंसर जानती है पक्का से पता कि इसका आंसर ही वही होगा, या फिर अनुमान, वो या हमारी भाषा में तुक्का, ठीक है, या तो तुक्का मारेगी या फिर से पता होगा। तो इसके इस पूरी पूरी प्रायिकता कि इसके उत्तर जानने की प्रायिकता है 3/4, इस मतलब कि 3/4 इसकी प्रायिकता है कि इसे उत्तर पता, पर इसका तुक्का लगाने की प्रायिकता 1/4, ठीक है। मान ले कि जो खुशी ने उत्तर का अनुमान सही लगा दिया, मतलब कि अनुमान लगा के उत्तर बिल्कुल सही भी दे दिया, इससे खुशी की बात क्या हो सका, तो वह 1/4 होगी। तो इस बात की क्या प्रायिकता कि कोई मतलब कि या जो खुशी या इस बात की क्या प्रायिकता है या उत्तर जानती थी, ठीक है। यदि इसे यह पता हो कि इसने उत्तर सही दिया है, इसे क्या पता हो इसने उत्तर सही दिया है, इसका मतलब तो मुझे इस मतलब या तो समझ में बात समझ में आ गई होगी, इसमें तुम्हें निकालना क्या, इस बात की क्या प्रायिकता कि इसने उत्तर या जानती थी, और इसने उत्तर तो सही दिया, तो इस बात की क्या प्रायिकता इसे उत्तर पता था, इसने तुक्का नहीं लगाया या थोड़ा सा झूठ बोलकर रखता पड़ रही होगी, क्या पता ऐसा भी तो हो सका हो सका, या फिर ऐसा हो सका उत्तर जानती हो नीचे मोटर मोटर लो, ऐसा नहीं कर देगा यार, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है नाना। और का सारी सब तेरी सब सब सरोने की तरह तो होते नहीं देखो, ठीक है। अब मुझे आप एक बात हो, इसमें आप घटना कौन सी मानना पसंद करोगे, ए मैडम जी नू बता था घटना कौन सी मानना की, सब जान ये लिख रहा सही उत्तर वाली। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, इस बात की क्या प्रायिकता, तो आप समझ गए होंगे आपको मतलब कि जड़ तो यही सी इसकी, निकाल लो जो चीज है बस उसे निकालो बस, अरे ज्यादा ध्यान नहीं रखते, जहां प्रायिकता हमें ज्ञात है वहीं चुपचाप निकाल लो। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, मान लिया घटना E1 आपकी कितनी बताओ, छात्र का उत्तर जानने की घटना, यही तो लिखोगे। अब दूसरे एक बात हो, अब जब दूसरा या तो यह उत्तर जानना होगा या फिर क्या लगा रहा होगा तुक्का, तुक्के को क्या लिख रखा अनुमान, तो छात्र का अनुमान लगाने की घटना, यही तो बात लिखोगे हम, हनुमान लिख लिया अनुमान है जो लगाने की घटना, यही तो बात लिखोगे भाई। अब इसने क्या लिख रखा, उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, क्या लिख रखी उत्तर जानने की प्रायिकता, मतलब अगर वो उत्तर जान रहा तो उसकी प्रायिकता कितनी, और उत्तर नहीं जानने की 1/4। अच्छा अब मुझे जरा एक बात बताइए, अच्छे से यही से एक छोटी सी चीज देखते हैं, अगर हमें पता उत्तर जानने की प्रायिकता, तो अगर उत्तर ना जानने की प्रायिकता निकालने हो तो आप उसमें क्या करते थे बताओ, एक माइनस करते पी ऑफ E1 से, अगर मैं कहने उत्तर ना जानने की तो आप इसमें से क्या करते, 1 + 3/4 कर रहे हो, 4 × 3 = 1/4, ठीक है। अगर आप एक सवाल में होगा ऐसा, आपको सिर्फ ओनली पहले वाला देकर रखा हो, दूसरे वाला आप निकाल सकोगे, नॉर्मल ऐसा निकाल लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरे में आपको कह रखा आधा सवाल खत्म, अब इसने क्या नु बताओ क्या दिया था आपको इसमें सवाल में, मैन चीज क्या दी, जड़ ए क्या थी, यदि उसने सही उत्तर दिया मतलब ए छात्र द्वारा सही उत्तर, मतलब क्या लिखोगे सा, छात्र द्वारा सही उत्तर देना, ऐसा लिख लो छात्र द्वारा कैसा उत्तर, सही उत्तर देना। अब भाई जो छात्र ने सही उत्तर दिया इस बात का क्या, आंटी नमस्ते चुप रहा, छात्र द्वारा सही उत्तर देना मतलब क्या कहना चाह रहा भाई, छात्र द्वारा सही उत्तर देना, पहला ब्रिज पर मैं चुप हो जा, ठीक है। जब हम ब्रिज पर मैं पाओगे, ब्रिज पर मैं आपके क्या बोल दिया बताओ, P
पी अपोन में इसने कहा, अगर उसने कहा कि आप छात्र ने सही उत्तर दिया और दूसरा कैसे दिया उसने उत्तर जानने, अगर छात्र ने कैसा उत्तर दिया बताओ मुझे, पी ऑफ ए लिखे थे ऊपर क्या ए अपोन में ईवन ईवन ये लिख रहे थे ऊपर हम, अच्छा ईवन अपोन में ए लिखोगे ठीक है। अरे रुक जा मैंने ब्रेस पर में लिखने को कहा मेरी, मेरे फिर वही बात लिखी गई ईवन अपोन में ई, इसका क्या मतलब है मुझे जरा ये बात तो, छात्र ने सही उत्तर दिया और उत्तर कैसा अगर उसे पता था, यही तो बात कहना चाह रहा है, पहले इसका फॉर्मूला लिखोगे पी ऑफ ईवन कैसा कर लूँ, तुम्हारा सवाल आंसर आना चाहिए बस, अभी तो तुमने मुझे फॉर्मूला ही बुलवा दी थी, थारे साथ तो ना अगर कोई मास्टर भी आ जाए ना वो भी नुभाऊगा पढ़ाएगा, तुम तो सिर्फ भैया जेल होगा, सही कह रहे भैया। अब चलो इसमें आ जाओ, ओ भाई पी ऑफ ईवन निकाल रखा हमने, पी ऑफ ई टू है तो देख तो लो क्या चाहिए हम, पी ऑफ ए अपोन में ईवन, इस बात को मैं ज़्यादा ना हिंदी में बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हो बताओ, सही उत्तर दिया और मतलब कि अगर सही उत्तर मतलब उसे उत्तर जानना उसे उत्तर पता था और उसने कैसा दिया सही उत्तर, उसकी प्रायिकता कितनी दे रखी इस बात ने देखो यार दे रखी, मान ले छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने की पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, मतलब इसे यह वाली नहीं दे रखी, इसने दे रखी ई टू, यही तो बात कहना चाह रहा, छात्र ने कैसा लगाया अनुमान और अनुमान लगा का उत्तर कैसे दे दिया सही है, यह बात थारी लैंग्वेज समझवाओगे मुझे पता उसने छात्र ने लगाया अनुमान और उत्तर दे दिया उसने सही, तो उसकी प्रायिकता कितनी है एक बटा चार। अब मुझे जरा बता दो जब छात्र ना उत्तर अनुमान लगाएगा या दे दी तो या तो किस चीज़ की भी अनुमान लगाने की, अगर इसने अनुमान नहीं लगाया तो मतलब पी ऑफ ए अपोन में ई टू ई वन इसकी क्या प्रायिकता होगी भाई, तीन बटे चार, इस मतलब जब आप इसे घटा के लिखोगे तीन बटे चार आ जाओगा, उसके बाद फिर हम इस वाले में मान भरेंगे तो इतना भरो मैं हम थोड़ा फिट फिजा कर लू, यहाँ से देखो इसमें क्या मतलब था इसका ई टू मत एक मिनट उसने उसने अनुमान लगाया होगा और अनुमान लगाने के बाद क्या दिया होगा उत्तर सही, अब हम ये मान कर चलेंगे उसने अनुमान नहीं लगाया मतलब उतना वो उत्तर जानता था और उत्तर जानने के बाद उसने उत्तर दिया अपना सही, तो हम यहाँ हमें एक बटा एक चार तो आपको दे रखा, हम इसकी प्रायिकता हम एक मान कर चलेंगे कि उसने हम यहाँ एक बटा चार नहीं वो जो तीन बटा चार ना हम घटा रहे नहीं बस हमें एक ही मान कर चलेंगे, इसने कह दिया अब यह उत्तर क्या कर रहा था, अरे जान रहा था उसे उत्तर पता था सही सही नहीं उसे उत्तर पता था और पता होने के बाद उसने सही करा, तो हम उसके जो हम उसकी प्रायिकता वो हम एक मान कर चल रहे यहाँ से, उसके बाद जब आप करो अब करो अगला, तो भाई अगला सवाल पढ़ो पांचवा सवाल, एक विशेष रोग के निदान के लिए रक्त की जांच, ओ भाई ब्लड टेस्ट हो रहा ठीक है और 99% असरदार है, कहने का यो मतलब है सलोनी ने पैथोलॉजी लैब खोल ली, सलोनी ने पैथोलॉजी लैब खोल ली भाई ठीक है, अब इसने लैब खोलने के साथ साथ ही इसने क्या किया अपना इसने एक रिपोर्ट मतलब कि सब लोगों के कहा आप सबके ब्लड टेस्ट करवाओ ठीक है, और जैसे कोई मान लिया कोरोना कुछ भी वायरस हो गया कुछ तो जो ये रिपोर्ट कर दी ना वो 99% तो असरदार है मतलब 99% बिल्कुल एक्यूरेट है रिपोर्ट दे रही है, और जो जो है रिपोर्ट में बता रही है आप लोग उसी रोग से ग्रस्त हो ठीक है, उसके बाद पता चला भैया जैसे स्वस्थ इंसान चले गए ठीक है, हम जैसे तो रोगी आदमी हम सर भैया जैसे स्वस्थ इंसान चले गए, इसके रिपोर्ट ना क्या काम करा वहाँ गलत रिपोर्ट दे दी, मैंने इसने अपनी पैथोलॉजी लैब ने इसने गलत रिपोर्ट दे दी, अब इसका हाल सोच लो क्या होने वाला किंतु इसने क्या 0.5% बार मतलब कि कुछ ऐसा या गलत रिपोर्ट दे दी, स्वस्थ आदमी का इसने ब्लड टेस्ट करा और उसे भी नुकायदे तब जो भी बीमारी अच्छा थी, तो किसी जन समुदाय के मान लिया हमारे आसपास ना ए रुक जाओ हमारे आसपास मलेरिया मान लो मलेरिया बीमारी फैली हुई इस समय ठीक है, और इसके हमारे यहाँ पर 0.1% लोग ठीक है वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं ठीक है, ए बात समझ ला इस बीमारी से ग्रस्त हैं, मानना भी तो यहाँ सबको ना मोहल्ला लोग मान दिया तो मलेरिया मानना सिर्फ, अब सारे किसके पास जाओगे टेस्ट करवाना इससे सलोनी गए, अब सलोनी के पास गए तो भाई सलोनी ने एक इंसान चुना, अब उसका इन ब्लड टेस्ट करा, अब इसने पता इसने क्या कहा तू ना भाई तू इस रोग से ग्रस्त है, तो या इसने जो मतलब कि इस बात की क्या प्रायिकता कि इसका यह रोग है या नहीं, क्या बताया झूठ बोल लियो, सवाल तो सुन में आ गया
अच्छा उसने कहा था उसे यह रोग है, इस बात की क्या प्रायिकता है ना, यही तो बात है, इसे यह रोग है, क्या पता, इसने तो कह दिया चुना गया व्यक्ति, अब उसे रोग है, इसका मतलब या तो रिपोर्ट सच बोल रही होगी, ऐसे भी तो हो सकता है रिपोर्ट में झूठ आ गया, तो अब हम चल ले अब हम अपनी रिपोर्ट पर ही, या तो हमें डंगू भी ला देगी, वायरस भी चला देगी, इसके चक्कर में ना पड़ी हो। अब मुझे जरा बता दो अपना सवाल पढ़ का, आप किस चीज़ को घटना ये मान लोगे, बब्बोस मना सिर मारा जो पावर हो ना बिजली, वह या तो पंखा भी चला सका करंट भी लगा सका, तो हाँ जी उस दिन नवनाई सब छोड़ आप जरा सवाल पढ़ लो, ऐसा क्या लिखा हुआ, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई जो चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है, बस इसी लाइन को पकड़ लो ठीक है, उस पर चल रहे हैं, मतलब इवन क्या है, जो चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, चुना गया व्यक्ति रोग से क्या है ग्रस्त, रोग से ग्रस्त है, और दूसरी घटना क्या होगी बताओ, रोग से ग्रस्त नहीं है ठीक है, चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है, बस यही तो बात लिखनी है मां, इतना ही तो पता मां। अब इसने आज जो स्पेशल चीज मानना थे हम ए, वह क्या मान ले कि यह बताया गया कि उसे यह रोग है, इसका मतलब है कि भाई जांच जो हमारी जांच आई वह सही होगी बिल्कुल ठीक है, तो बस एक हम ऐसे लिख सकते हैं, ए है कि जांच सही पाई, जांच का सही होना, जांच का कैसा होना, यही तो बात होगी, इसका मतलब अगर उसने जांच सही पाई गई तो उसका मतलब जांच उसने बिल्कुल एक्यूरेट करी, तो हम किसके पास जाओगे, अब सवाल ये बात चले गए और कहाँ चले गए, तो इसने पहले कह रहा है 99% उसकी जो जांच है वह सरदार है, अच्छा जी, और भाई जब वास्तव में उस रोग से ग्रस्त है, इसका मतलब चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, तो यह बात किस में जाओगी, 99% कहाँ जाओगा यहाँ से, तो पी ऑफ ईवन का मान कितना अपना 99%, और भाई इसने कह रखा, अरे नहीं नहीं रुक जाओ, इसने देखो क्या कह रखा, यो तो 99% वह है जब जांच असरदार है, मतलब जांच बिल्कुल एक्यूरेट कर रखी, वहां जाओ जहां है लिख रखा, यदि किसी जनसमुदाय के 0.1% उस रोग से ग्रस्त है, इसका मतलब यहाँ अप्लाई करेगी वह बात ठीक है, तो पी ऑफ ईवन क्या बैठ रहा आपका 0.1%, अगर आपको पता इतने परसेंट ग्रस्त है तो नहीं होने की प्रायिकता निकाल सकते हो, किस में से घटाएंगे अब हम, एक में से, पी ऑफ ई टू का मतलब होगा एक में से आप कितना घटाने वाले, 0.0 जब 1% आप इसे घटाओगे, परसेंट है ना, इसे सही करके लिखोगे पहले तो 0.1 है, और यहाँ कितना परसेंट सो ही तो लगाओगे हम, हजार कहाँ जा रहे हो, तो इसे जब हम पॉइंट हटाने वाले हैं तो इसका मतलब यहाँ जीरो, तो 0.001 और वन तो ठीक है, इसका मार्कर होगा वन निकलगा, दूसरी बार हम क्या करेंगे बताओ, इसे किस मतलब घटाने वाले हम, एक मन से घटाने वाले हम, इसमें ही घटा लो, एक मिनट रुक जाओ, तो देखो इस हम किस मत घटाने वाले हम, एक मन से घटाओगे तो मतलब एक मन से आप वाह कितने बड़े चला, 0.01 जब आप इसे घटाओगे तो कितना जाओगा, यहाँ से इतना बैठा का 9.0, ये तो बैठा का 0.999, ये बैठा का, तो हम किसके पास जाने वाले बताओ, हमारे पास ये होगा, अब हम पहले अपना ब्रिज पर में देखोगे वह कौन सी थी, वह क्या थी अपनी पी ऑफ, हमें निकालना कि चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त है और जांच आपकी क्या पाई गई सही, तो आप यहाँ क्या लिखोगे ए और यहाँ क्या लिखोगे इवन, इसका क्या मतलब है पहले बोल के बताओ, जब तक का चलूंगी, अरे भाई वह जांच है जो आपकी वह जांच सही है, जो व्यक्ति वह वास्तव में उसका रोग से ग्रस्त है ठीक है, अब उसके बाद आप ऐसे लगा दोगे, फिर यहाँ पी ऑफ इवन फिर इंटू पी ऑफ यहाँ क्या लिखोगे इवन अपोन में ए, इसका क्या मतलब है, ए अपोन में इवन, बोल का बता जरा सा क्या क्या बोगे, मुझे ना बताओ, अच्छा अरे इसका क्या मतलब है पी ऑफ ई टू का, इसका मतलब बताओ, और जांच सही है, उस जांच तो कह दे भाई हम सही है और वैसा क्या है रोगग्रस्त, पागल बना रहा है हमारा, कुछ नहीं कर रहा है पागल बना रहा, अब हम क्या निकालने वाले बताओ, इसमें पी ऑफ ए अपोन में इवन ही तो चाहिए माँ, है हमारे पास इवन है, अब सवाल पढ़ो, इसमें देखो आपको क्या कर रखा, जो आपने जांच करी वह 99% असरदार है, मतलब इवन का क्या मतलब है, जो चुना गया है रोग सा ग्रस्त है और वास्तव में जांच सही है, तो इसका मतलब यहाँ अप्लाई कर रहा है वो, तो कितना लिखने वाले हैं बताओ, 99% का मतलब कितना होगा भाई अपना यहाँ से 0.99, यही तो बात होगी,
और अगर दूसरी बार क्या कह रखा आपको, ए पी ऑफ ए अपॉन में ए टू, मतलब हमने जांच वो व्यक्ति जांच उसमें तो है ही नहीं और जांच उसने सही बता दी, वो नुकारा वो उसका है नहीं और उसने कह दिया सही है, इसके जैसे पागलों ने भैया को भी कह दिया जा कोरोना पॉजिटिव। तो इस 0.5 सवाल में दे रखा मुझे ना बताओ इसमें दे रखा किंतु 0.5% बार ऐसी बार हो रहा है कि वो जो स्वस्थ आदमी है उसके आप जांच कर रहे तो वो गलत रिपोर्ट दे रहा, इसका मुझे यहाँ कितना आना चाहिए अब 0.5 और कुछ नहीं दे रखा क्या 0.5%। तो आप जब लिखोगे 0.005 ये तो लिखोगे, उसके बाद हम किसके पास जाने वाले ना बताओ, सम्मान निकल गया आपके पास, इसके पास चलते चलो। पी ऑफ E1 का मान कितना बताओ 0.001, उसकी गुना आप कैसे साथ करने वाले पी ऑफ A1 के, मतलब 0.99 ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कितना लिखने वाले हम, यही सेम, वाह वो नहीं वाह से नहीं तो उसे तो एक ही बीमारी है झुका तो पी ऑफ A1 वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो यही करता बार बार, और इस सवाल में पूरे मुझके मुँह से यही शब्दावली निकलने वाली थी 0.005 कर लोगे सा। अब देखो सर सोलो नॉर्मली सही करना, अगर हम इसके पॉइंट 0.1 अब हम इसे इसकी भाई दबा दम इसकी क्या करेंगे हम गुणा, तो जब भाई हम गुणा करेंगे इसकी इसमें जब आप गुणा करोगे 99 जब आप एक में करोगे तो मतलब यहाँ 99 तो ऐसे ही आ जाओगा, यहाँ कितने 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद आप पॉइंट लगा जीरो लगा लोगे ठीक है। इसी तरीके से यो या होगा क्या होगा यो झुका तू 99 ऐसे ही होगा 3, 0 फिर यहाँ प्लस। अब मुझे ये बताओ इसके गुणा किस में करनी है पहला हम, अरे 9 से इसकी गुणा 5 के साथ कर या 9-9 कर दी है तो भाई ए इसके गुणा करके जो होगा 0.004995 जब आप इन दोनों की गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 0.00495 ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ये ऊपर ही रखेंगे और नीचे लाले को जोड़ देंगे, तो जोड़ना हुआ तुम्हारे पास बताओ जोड़ के क्या होगा सा कहाँ बोल ले ले नो इसे जब आप जोड़ोगे तो आना 0.00 देख मारी इसे जोड़ लियो साइड में ठीक है, हमारी कैलकुलेशन फास्ट है क्यों नहीं बता रहे हम ये हम ना कैलकुलेट कर रखा जोड़ कर दिखा रहे हैं ठीक है। आप मुझे बताओ ऊपर कितने अंक हैं, नीचे कितने अंक हैं 6 अच्छा जी, जब ऊपर कितने अंक हैं 5 और नीचे कितने अंक हैं आपके 6 तो आप क्या करोगे जब भाई इसमें से घटाओगे नीचे 6 अंक है इसका मतलब यहाँ कितने लग जाओगे 0 इक्वल हो गया अब तो, और जब हमने हटा दी अब मुझे बता दो ऊपर कितना बच गया 900 और नीचे कितना बच गया 5, 9, 8, 5 कट सका हो जब ये कटागा 5 से कटागा तो भाई जब आप इसे 5 तक कटोगे तो ऊपर तो आ गया अपना कितना आयो 82 और नीचे कितना आ गया नुका हमें नहीं पता, तो यहाँ आंसर आ जाओगा आपका 82 अपॉन में 1133 इसे नोट करो।